आज हम लोग अपनी क्लाइमेटोलॉजी की जो सीरीज है उसमें हम लोग प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग शुरू के दो तीन वीडियोस में कुछ क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे एंड देन फिर हम लोग एडवांस लेवल की ज्योग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी की तरफ चलेंगे। सो ये वाला वीडियो आपके उस बेसिक वीडियो का ही एक और पार्ट है। प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बेसिकली अगर आपको कुछ चीजें जाननी है तो आपको ये बेसिक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है। सी अगर किसी भी रीजन का टेम्परेचर हाई है यानी कि ज्यादा है तो वहां का जो प्रेशर है वो हमेशा कम होता है, और अगर किसी भी एरिया का किसी भी रीजन का टेम्परेचर अगर लो है तो वहां का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। तो ये बेसिकली एक तरीके का इनवर्स रिलेशन है जो हमें याद रखना होगा। इफ टेम्परेचर इज हाई प्रेशर इज लो, इफ टेम्परेचर इज लो प्रेशर इज हाई। सो वी नीड टू रिमेम्बर दिस राइट। चलिए अब हम लोग अपने इस प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सी यहाँ पर प्रेशर बेल्ट्स के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें लैटिट्यूड के हिसाब से देखना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इक्वेटर की बात करते हैं, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, वी ऑल नो दिस। यहाँ पर हम लोग एक सन की पोजीशन ले लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा वक्त तक जो डायरेक्ट सनरेज पड़ती है वो इक्वेटर पर ही पड़ती है राइट। और इक्वेटर में भी आपका ये जो 10 डिग्री लैटिट्यूड का जो रीजन होता है, 5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, तो ये जो 10 डिग्री का आपका लैटिट्यूड का रीजन होता है यहां पर सबसे ज्यादा सन रेज पड़ती है। इसे हम लोग डोल्ड्रम के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जब सबसे ज्यादा सन रेज पड़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर यहां पर सबसे ज्यादा होगा तो प्रेशर जो है यहां पर सबसे कम होगा। तो इसी वजह से हम इस एरिया को, इस रीजन को इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे है तो इक्वेटोरियल हो गया, टेम्परेचर यहां का बहुत ज्यादा हाई है तो प्रेशर यहां का ऑब्वियस सी बात है कि लो रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब यहां पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है तो आपको यह भी समझना होगा कि यहां पर जो विंड्स होती हैं, यहां पर जो हवाएं होती हैं वो भी इस लो प्रेशर बेल्ट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से गर्म हो जाती है। नेचुरल फिजिक्स है कि जब भी कोई विंड गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। यहां पर भी ऐसा ही होता है कि यहां पर जो विंड अवेलेबल है वो ऊपर की तरफ उठती है। अब जब ऊपर की तरफ राइज करती है वार्म एयर तो वापस तो यहां पर जाएगी नहीं, तो वार्म एयर जब राइज करती है तो फिर ये उठकर दूसरे लैटिट्यूड्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो कुछ हवाएं आपकी इस 30-35 डिग्री के नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर आ जाएंगी और कुछ विंड्स आपकी 30-35 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पर आ जाएंगी। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा ठीक है। अब जैसे ही ये जो वार्म एयर राइज होती है और 30-35 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड पर आती है तो यहां पर ये हाई प्रेशर क्रिएट करती है, मतलब टेम्परेचर कम कर देती है। कैसे? जब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से जो हवाएं हैं ऊपर की तरफ उठती हैं तो इसका मतलब है ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाती हैं। इसका पिछला वाला जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा था, तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई हवा या फिर जब भी हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। अब वो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना जो है उसका असर आपको हवाओं पर भी तो देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहां से हवा ऊपर की तरफ उठी है और ऊपर तो टेम्परेचर कम है तो वो हवा ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी। अब ठंडी होने के बाद वापस तो वो इक्वेटर पे जाएगी नहीं, उसके आसपास का जो लैटिट्यूड है जो 30-35 डिग्री है वहां पर जाकर ये स्टेबल हो जाएगी, जमीन पर बैठ जाएगी। अब ये हवा जो ऊपर जाकर ठंडी हो चुकी है और 30-35 डिग्री लैटिट्यूड पर बैठकर जाकर सबसाइड करती है, बैठ जाती है, तो वहां का जो रीजन है उसे भी ये ठंडा कर देगी, टेम्परेचर कम कर देगी। इस वजह से जो ये सब ट्रॉपिकल है वो एक हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी बनेगा एंड देन आपके सदर्न हेमिस्फीयर में भी बनेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ही बनाएगा, इसी का ये काम करेगा। अब हम लोग अपने दो और प्रेशर बेल्ट्स की तरफ चलते हैं। एक हमारा सब पोलर रीजन रहेगा और एक हमारा पोलर रीजन रहेगा। यहां पर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आपको बेसिकली लैटिट्यूड्स को नाम के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग 0 डिग्री पे जाते हैं तो ये हमारा इक्वेटर है। इफ वी गो टू 23.5 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये बेसिकली आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है एंड 23.5 डिग्री आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहलाता है, जिसे हम लोग बेसिकली हिंदी में
मकर रेखा या फिर कर्क रेखा कहते हैं। सो ये आपका कौन सा वाला जोन हो जाएगा, इसे हम लोग ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानेंगे। इफ वी गो टू 30 डिग्री, अब हम लोग अगर 30 डिग्री पे जाते हैं तो 23.5 टू 30 डिग्री का जो रीजन रहता है उसे हम लोग यहां पर सब ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। एंड अगर 30 टू 60 डिग्री पे हम लोग जाते हैं तो 30 टू 60 डिग्री जो है वो हमारा टेम्परेट जोन कहलाएगा। एंड देन 60 टू 66.5 डिग्री वुड बी आर सब पोलर जोन एंड 66.5 टू 90 डिग्री वुड बी आर पोलर जोन। ठीक है, इस तरीके से ये डिमार्केशन देखते हैं। अगर ये डिमार्केशन आपको याद है, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, सब पोलर जोन एंड पोलर जोन, तो बेसिकली क्या है कि आपको ये अच्छे से यहां पर समझ में आएगा ये वाला रीजन, राइट। तो जिस तरीके से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होगा ये बेल्ट नंबर वन हो गई, उसी तरीके से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आपकी सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये तीन बेल्ट हमने एक साथ पढ़ ली। अब हम लोग चलते हैं अपने सब पोलर रीजन की तरफ और दूसरा हमारा पोलर रीजन की तरफ। अब देखिए, सब पोलर और पोलर रीजन ये दोनों वो रीजन है जहां पर बर्फ जमती है, मतलब यहां पर टेम्परेचर हमेशा कम रहता ही है, तो यहां पर जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर आप नोटिस करें तो आपके पोलर में हाई प्रेशर बेल्ट है, लेकिन सब पोलर में देखते हैं तो लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है, जबकि बर्फ तो सब पोलर रीजन में भी जमती है, तो यहां पर भी हाई प्रेशर होना चाहिए लेकिन है यहां पर लो प्रेशर। सो पोलर जोन में हाई प्रेशर है और सब पोलर जोन में लो प्रेशर है, इसके तीन कारण है। पहला कारण, अगर आप पोलर जोन और सब पोलर जोन को कंपेयर करते हैं तो ज्यादा ठंड आपको पोलर जोन में देखने को मिलती है, यानी कि बर्फ तो पोलर और सब पोलर दोनों रीजन में जमती है, लेकिन बर्फ पिघलती कहां पर है ज्यादा, सब पोलर रीजन में, मतलब थोड़ी बहुत गर्मी वहां पर आती है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप ईयरली एनुअल टेम्परेचर देखते हैं तो सब पोलर रीजन में का जो एनुअल टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ पोलर जोन के। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये पहला रीजन है कि सब पोलर रीजन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए यहां पर लो प्रेशर बेल्ट है और पोलर में हम लोग हाई प्रेशर बेल्ट ही लेते हैं। दूसरा रीजन आता है जेट स्ट्रीम का। सी, जेट स्ट्रीम बेसिकली एक विंड है, एक हाई प्रेशर विंड है जो आपके पोलर जोन से क्रिएट होती है, और ये जो जेट स्ट्रीम विंड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा एक और विंड होती है जिसे हम लोग, एक और फोर्स होती है जिसे हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो अर्थ के अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से क्रिएट होती है। अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो जो फोर्स क्रिएट होती है उसे हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अब ये जो कोरियोलिस फोर्स है, इसके बारे में डिटेल में तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी मेजर एक छोटा सा काम बता रहा हूं कोरियोलिस फोर्स का, वो ये है कि वो विंड्स की जो डायरेक्शन है उसको डिफ्लेक्ट कर देती है, किसी भी विंड को एक रीजन पे वो टिकने नहीं देती। और ये कोरियोलिस फोर्स जो है सब पोलर रीजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो जब भी कोई कोल्ड विंड सब पोलर रीजन में सबसाइड करने की कोशिश करती है कि सब पोलर रीजन को भी ठंडा किया जाए, तो कोरियोलिस फोर्स सब पोलर जोन से उस कोल्ड विंड को हटा देती है, जिस वजह से सब पोलर जोन कभी भी पोलर जोन जितना ठंडा नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग सब पोलर में लो प्रेशर बेल्ट लेते हैं और पोलर में हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स उतनी स्ट्रांगली पोलर जोन में काम नहीं करती जितनी स्ट्रांगली वो सब पोलर जोन में काम करती है। ये था आपका दूसरा रीजन। तीसरा रीजन हमारा बेसिक जो फिजिक्स का लॉजिक है वो इसमें काम करेगा कि कभी भी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो अल्टरनेटिव ही काम करती हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। कभी भी आपको ये देखने को मिलेगा कि हाई प्रेशर के बाद फिर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर होगा देन लो प्रेशर होगा देन हाई प्रेशर होगा देन लो प्रेशर होगा। तो ये तीन रीजन है। तो यहां पर जब हमारा एक बार हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका है तो दोबारा यहां पर हाई प्रेशर नहीं आएगा, लो प्रेशर ही आएगा एंड देन फिर हाई प्रेशर आएगा। सो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से सब पोलर में हम लोग लो प्रेशर बेल्ट लेते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात है, अगर आप लोग यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में भी जाते हैं तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ही होगी एंड देन सदर्न हेमिस्फीयर में आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ही होगी। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो टोटल ये आपको कितनी बेल्ट्स हमने पढ़ी, नंबर वन इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, नंबर टू सब पोलर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट विच इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड देन सदर्न में थर्ड वाली आ जाएगी, देन फोर्थ अगर हम लोग देखें तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड फिफ्थ हम लोग सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट अगेन, ठीक, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर एंड देन सेम गोज विथ
सिक्स्थ प्रेशर बेल्ट हमारी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, राइट। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन फिर यहां पर हमारी एक और लास्ट यहां पर आ जाएगी, ठीक है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी प्रेशर बेल्ट जो है आपके क्लाइमेटोलॉजी का एक बेसिक है। ये देन प्रेशर बेल्ट जो है हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर का जो इनवर्स रिलेशन है वो मॉनसून और ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी हमें काफी ज्यादा काम आता है, ठीक है। सो ये हमारा एक और क्लाइमेटोलॉजी का बेसिक वीडियो था। अगर आप इस तरीके के वीडियोस जो हैं लगातार देखना चाहते हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल और यू कैन शेयर टू आवर चैनल टू मोर एंड मोर पीपल यू नो। एंड इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की फ्री सोर्सेस आप जो लोग चाहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, यू कैन कॉन्टैक्ट अस टू chahalacademy.com वेबसाइट और यू कैन डायरेक्टली विजिट अस at our headquarter Delhi or you can go to 24 branches all over India wherever we have of Chahal Academy. Thank you very much. I'll see you in the next video. Thank you.